हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास फोर के लिए पढ़ेंगे, पेज नंबर 59 पे आ जाइए सब। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 का पार्ट ए पढ़ने वाला हूँ। कुछ आपको यानी टॉपिक रह चुके हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शायद ये कुछ जैसे कि पढ़ेंगे तो आप ईजी हो जाएंगे। ये आपको होमवर्क करना है और आपको इंशाल्लाह आपके टीवाई में भी चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 रखे हुए, ठीक है। तो टिक द करेक्ट आंसर चैप्टर नंबर 5। तो डेट एंड डे जो है मैं आपको यूट्यूब के लिंक में आपको लिंक दूंगा, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर व्हिच टेप्स ऑपन द बैक स्टेशन। तो टेप्स आपको जानते हैं ना, टेप मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि टेप के बारे में। तो कौन सा टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, बैक स्पेस वी को या बैक स्टेज वी को ओपन करते हैं, ठीक है। वी स्टेप ओपन द बैक स्टेज, जो बैक स्टेज वी को ओपन करते हैं। तो ये फाइल है होम इंसर्ट, तो ये फाइल है। सेकंड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉक्सेस फॉर टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन द स्लाइड। तो कौन सा बॉक्सेस है जिसमें टेक्स्ट एंड पिक्चर दोनों आते हैं स्लाइड के अंदर। तो ये प्लेस होल्डर, टेप्स प्लेस होल्डर, जूम स्लाइड, तो ये आपके लिए प्लेस होल्डर देख सकते हैं, प्लेस होल्डर को सही, ठीक है। इसके बाद वेयर इज द स्टेटस बार प्रेजेंट ऑन अ पावर पॉइंट स्क्रीन। तो ये स्टेटस बार जो है पावर पॉइंट स्क्रीन के कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं टॉप बॉटम एंड लेफ्ट, ये आपके लिए बटन, ठीक है। तो आप बटन पे क्लिक कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस क्लोज ऑफ व्यू, क्लोज ऑफ व्यू कैसे आते हैं, जूम इन जूम आउट, नॉन ऑफ दिस। वो कह रहा है या जूम इन होगा या जूम आउट, या तो बिल्कुल नहीं। तो हमें इस चीज को देखना है, जूम इन करने से क्या होता है, क्लोज आ जाते हैं, जूम आउट करने से दूर जाते हैं, ठीक है। तो जूम इन, जितना जूम इन करेंगे वो क्लोज अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्हिच की शुड बी प्रेस्ड टू रन अ स्लाइड शो, स्लाइड को शो करने के लिए, खुद ब खुद रन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, जैसे स्लाइड शो करने के लिए, सॉरी स्लाइड शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, F1 टेबल F5 F5 होता है, क्लियर। मैच द कॉलम्स आ जाओ, सबसे पहला क्या है फाइल, तो ये फाइल क्या हो गया डी, देखो डिस्प्ले द बिग स्टेज, फाइल के अंदर हम दिए देखते हैं, ठीक है। इसके बाद रीडिंग, आपके लिए राइटर यानी राइट ए बुक की तरफ देख देते हैं, तो एक के साथ आपको मैच करना है रीडिंग के साथ। इसके बाद आपको क्या आ रहा है बी, ये आपके लिए होता है यानी बिगिनिंग स्लाइड व्यू, जो आपको स्लाइड जो करते हैं ना, क्योंकि आप टू रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से आपको जो स्लाइड को रन करते हैं वो ऐसे है, ठीक। इसके बाद ये तो आपको स्लाइड शो है, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड शो करना, ठीक है। इसके बाद सी आपके लिए आते हैं क्लोज प्रेजेंटेशन, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, इसके बाद आपके लिए पार्ट सी। तो मैं सोच रहा हूँ आपको पार्ट सी तक कंप्लीट करूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत है, तो ये सब देने में कभी टाइम लगेगा। तो T1 का एग्जाम भी आपको आने वाले हैं, तो आप पार्ट सी भी लिख लीजिए, आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा, आप ग्रुप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। पहला MS ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ द MS पावर पॉइंट। अब क्या मतलब कह रहा है कि MS ऑफिस पार्ट से MS पावर पॉइंट का, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि MS पावर पॉइंट पार्ट होता है MS ऑफिस का। तो ये आपको क्या करेंगे फॉल करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद द रेबन कंटेन मनी टेप, रेबन के अंदर बहुत से टेप्स आते हैं, बिल्कुल सही, इसमें बहुत से टेप्स आते हैं, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। द टेक्स प्लेस होल्डर इज यूज टू राइट टेक्स ऑन अ स्लाइड। तो प्लेस होल्डर जो है यदि टेक्स राइट करने के लिए यूज होते हैं, तो यूज होते हैं बिल्कुल, तो इसको भी आप ट्रू कर सकते हैं। वी कैन नॉट एड पिक्चर ऑन द स्लाइड, स्लाइड के अंदर आप पिक्चर एड नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, आप पिक्चर एड कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया फॉल, ठीक। तो यहां तक आज के लिए यहां तक काफी, आप इसको
अच्छी तरह कॉपी पे लिखना है और इसको याद करने की कोशिश करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं दे दूंगा तो मैं खुद दे दूंगा, नहीं तो शबीर सर भी देने वाला है, तो थैंक यू वेरी मच, हम वो डिसाइड करके दे देंगे आपको क्वेश्चन।